दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बस अब बजने ही वाली है। विधानसभा चुनाव का आगाज है और आप माने कि आज रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश के और इसके साथ साथ जो हरियाणा के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और उनके साथ साथ विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के सांसद, ये तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा और तमाम नेताओं ने, चाहे वो विप्लव कुमार देव थे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान, चाहे मनोहर लाल खट्टर, चाहे नायब सिंह सैनी, चाहे कृष्ण पाल गुर्जर, चाहे सुधा यादव, तमाम नेताओं ने एक संदेश अग्रेषित कर दिया कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव वो लड़ने के लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब तैयार हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि 5-5 लोकसभा सीटें इस चुनाव में यानी कि 2024 में हुआ। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें दोनों पार्टियों में 5-5 में बट गई। 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बन गए और 5 कांग्रेस के बन गए, यानी कि हाफ हो गई भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में और कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा हो गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके साथ ही अब चुनावी तैयारियां शुरू हो गई विधानसभा की। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेष विधानसभा को लेकर हूं दोस्तों, और लगातार आपसे कंटिन्यू विधानसभाओं के वहाँ का आकलन, वहाँ की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का महत्व, वहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस प्रकार की हैं, इस पर आपसे बात किया करूँगा। मैं आपके साथ मौजूद हूँ हरियाणा की एक प्रमुख विधानसभा सीट फरीदाबाद को लेकर, फरीदाबाद 89, जिसका नाम पूरा है फरीदाबाद 89। उस विधानसभा सीट को जिस पर कि जब से वो आप माने तो 2007 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद से वो फरीदाबाद सीट के नाम से अस्तित्व में आई। वहाँ पर लगातार तीनों बार जो विधायक बने वो तीनों बार विधायक चेंज हुए, 2009, 2014, 2019। आनंद कौशिक वहाँ से विधायक बने 2009 में, 2014 में वहाँ से विधायक बने विपुल गोयल और 2019 में यहाँ से विधायक बने नरेंद्र गुप्ता। आनंद कौशिक कांग्रेस के विधायक हुए तो फिर विपुल गोयल और नरेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। पूरी तरह से शहरी सीट है, तमाम जो हुड्डा के सेक्टर हैं, तमाम कॉलोनीज, ये सब इस विधानसभा में आती हैं। अगर आप दो एक बड़े गांव छोड़ दें तो फिर ये पूरी तरह से शहरी विधानसभा सीट है। और इस विधानसभा को लेकर मैं आपसे जो बातचीत करूंगा, जो मैं आपसे बात करूंगा वो है कि विपुल गोयल का फरीदाबाद विधानसभा में क्या होगा। विपुल गोयल हरियाणा का राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम रहे, 2019 में उनको टिकट नहीं मिला। विपुल गोयल और कृष्ण पाल गुर्जर जो यहाँ के फरीदाबाद के सांसद हैं, कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। आप इस दोस्ती को कुछ यूं करके मान लें कि 2014 का जब विधानसभा चुनाव था, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद बन गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका बड़ा कद हुआ करता था। रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, कृष्ण पाल गुर्जर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कृष्ण पाल गुर्जर को जो राजनीतिक लोग बताते हैं वो कहते हैं कि कृष्ण पाल गुर्जर को मनोहर लाल जी ने कहा कि वो फरीदाबाद लड़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण पाल गुर्जर ने मनोहर लाल जी से कह दिया कि मैंने तो विपुल गोयल के लिए हाँ भर दी है। ये 2014 का चुनाव था, यानी कि कितनी नज़दीकियाँ थी। 2014 का चुनाव विपुल गोयल को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ाया गया और एक तरह से माने तो ये दोनों बड़े जोड़ीदार थे, कृष्ण पाल गुर्जर और विपुल गोयल। विपुल गोयल वो चुनाव जीत गए, लेकिन 2014 का चुनाव जीतते ही विपुल गोयल के विधायक बनने के बाद ही इन दोनों की दोस्ती पर जैसे ग्रहण लग गया और वो जो दोस्त जिसके लिए कि कभी मनोहर लाल से अड़ गए थे विपुल गोयल के लिए, कभी मनोहर लाल से भी अड़ गए थे कृष्ण पाल गुर्जर 14 के चुनाव में, लेकिन पूरी तरह से आंखों में खटकने लगे वो कृष्ण पाल गुर्जर के। कारण कुछ यूं रहा कि विपुल गोयल कभी तो खुद लोकसभा के प्रत्याशी होने की तैयारी करते थे तो कभी अवतार सिंह भड़ाना के साथ में होते थे। लोगों को वो सीन आज तक याद है कि फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड, जो कि बहुत विवादास्पद रहा करता है, उसके अंदर जिस प्रकार से एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे थे कृष्ण पाल गुर्जर और विपुल गोयल, और आप मान लें तो वहीं से टकरार शुरू हुई थी। और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो टकरार ये बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी टकरार हो गई। विपुल गोयल ने दावेदारी की लोकसभा के टिकट की, लेकिन उनको टिकट लोकसभा का नहीं मिला।
कृष्णपाल गुर्जर को 2019 के चुनाव में भी टिकट मिला और कृष्णपाल गुर्जर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गए। और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया तो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर विपुल गोयल को टिकट नहीं लेने दूंगा। हुआ भी, विपुल गोयल का टिकट कट गया। वो विपुल गोयल जो हरियाणा की सरकार के उद्योग मंत्री थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी अमित शाह से नज़दीकियां हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में उनका ठीक ठाक जुगाड़ बना हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद टिकट लेने में नाकामयाब रहे, टिकट नहीं मिला 2019 के चुनाव में। और उसके बाद से कहें तो एक पूरी तरह से नेपथ्य में चले गए, जैसे राजनीति के नेपथ्य में पूरी तरह से चले गए विपुल गोयल। और वो सामने आने शुरू हुए अब 2023 में, जब लोकसभा चुनाव का आगाज होना शुरू हुआ। एक बार फिर विपुल गोयल पूरे फरीदाबाद में घूम घूम करके उनके तमाम जगह बोर्ड लगे और लोकसभा की तैयारी करने लगे, लोकसभा का टिकट मांगते थे। लोकसभा के टिकट के लिए विपुल गोयल ने अपने खूब पैर पैंतरे चलाए। और इन बिटवीन हुआ ये कि विपुल गोयल को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया नायब सिंह सैनी ने अपने साथ में, अपनी टीम में। पहले धनखड़ साहब ने भी उनको अपने साथ रखा। लोगों को लगा कि विपुल गोयल की गुड्डी कुछ चढ़ेगी। चर्चाएं कुछ ऐसी चली कि जैसे विपुल गोयल लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर की टिकट कहीं हथिया करना ले आए, ऐसी चर्चाएं बहुत रही। लेकिन फिर वही हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव, टिकट मिला, विपुल गोयल का कटा और कृष्णपाल गुर्जर को वापस मिला। विपुल गोयल जो टिकट की तैयारी कर रहे थे कामयाब नहीं हो पाए और फिर से कृष्णपाल गुर्जर अब तीसरी बार सांसद बन गए। दोस्तों तभी से चर्चा है कि क्या विपुल गोयल अब की बार विधानसभा का टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तभी से ही चर्चा है कि क्या विपुल गोयल, जो लोकसभा की लड़ाई लगातार दो बार हार गए, लोकसभा की लड़ाई लड़ते लड़ते विधानसभा की भी हार गए, यानी कि उन पर यह कहावत सटीक बैठ गई कि चौबे जी चले थे छिबे बनने और दुबे भी नहीं रहे। विधायक थे 2014 से 2019 में, 2019 में सांसद बनने की तैयारी करने लगे, लेकिन सांसद छोड़ो विधायक भी नहीं रहे। अब बड़ी बात यह कि क्या उनके लिए 2024 का विधानसभा का सफर आसान होगा। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर तो आज भी वही अड़े हुए हैं कि वो विपुल गोयल को टिकट नहीं लेने देंगे, लेकिन विपुल गोयल भी अपने जो लोगों में पहत कहते हैं कि उन्होंने भी खूब संपर्क कमाए हैं। विपुल गोयल कहते हैं कि लोकसभा का टिकट तो कट गया लेकिन विधानसभा का चुनाव अब की बार 100% लड़ा जाएगा और टिकट मिलेगा। अब बड़ी बात ये आ जाती है दोस्तों, नंबर एक तो जो ओल्ड फरीदाबाद वाली विधानसभा सीट है, नरेंद्र गुप्ता वहाँ से विधायक हैं और उस सीट से कृष्णपाल गुर्जर इस चुनाव को जीत गए। और इस चुनाव को जीतने के बाद कृष्णपाल गुर्जर देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गए। फरीदाबाद की 9 लोकसभा जो विधानसभा सीटें हैं फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, आप मान करके चलें कि राजनीतिक लोग कहते हैं कि कृष्णपाल की उसके अंदर अब की बार पहले से ज़्यादा चलेगी, जो 2019 में जैसी स्थिति थी उससे बेहतरीन होगी। और इस हालात में बात फरीदाबाद 89 की आती है कि क्या विपुल गोयल कृष्णपाल की कोई काट ढूंढ पाएंगे इस चुनाव के लिए। मैंने आपको बताया कि नरेंद्र गुप्ता जो विधायक हैं, नरेंद्र गुप्ता के लिए आप एक बात समझ सकते हैं कि उनके लिए ये प्लस पॉइंट तो गया कि फरीदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर अब भी लगभग 35,000 मतों से चुनाव जीते। दूसरी बात ये आएगी दोस्तों कि इस सीट पर अब नए नाम भी हैं। फरीदाबाद 89 की सीट पर अजय गौड़ का नाम भी बहुत मजबूती से चलता है आजकल। अजय गौड़ आप माने तो कृष्णपाल गुर्जर के तो हनुमान है ही हैं। इसके साथ साथ मनोहर लाल के दरबार में भी अजय गौड़ का जो सिक्का है वो पूरी तरह चलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रदेश इकाई और उसके बाद में आला नेतृत्व के अंदर आला कमान में भी उनकी अपने जो तिगड़म है, अपने जुगाड़ है, वो फिक्स हैं। अजय गौड़ के बारे में आप ये मान लें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वो राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, राजनीतिक सचिव रहे हैं, उससे पहले वो चेयरमैन थे। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष जब नायब सिंह सैनी बने तब भी, और अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष की नई नियुक्ति होनी है अब भी, उसके अंदर इनका नाम चलता है अजय गौड़ का। अगर अजय गौड़ इतने प्रभावशाली हैं तो फिर आप मान करके चलें कि विधानसभा सीट के लिए भी अजय गौड़ बहुत बड़े दावेदार होंगे।
नंबर एक तो पहले नरेंद्र गुप्ता की टिकट कैसे कटवाएं, फिर वो अजय गौड़ को कैसे रोकें, ये सारी चुनौतियां होंगी विपुल गोयल के लिए। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों फिर आगे ये आता है कि क्योंकि पिछला चुनाव वो चूक गए, ना वो चुनाव लड़े, ना उनको बीजेपी ने टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी में रहे, अगर इस चुनाव में भी विपुल गोयल को टिकट नहीं मिलता तो फिर उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा? क्योंकि राजनीति के अंदर जिंदा रहने के लिए जो चुनावी राजनीति में आ जाएं तो फिर उनको चुनाव लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस चुनाव में विपुल गोयल कृष्ण पाल गुर्जर की कोई काट ढूंढ पाएंगे? आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या विपुल गोयल अपने लिए टिकट का इंतजाम कर पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विपुल गोयल को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया तो क्या फिर वो कोई नई राह भी चुन सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।